हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए अगेन न्यू रीडिंग लेके आई हूँ लेट नाइट थॉट में। देखते हैं आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ओके व्यूअर्स, तो एक रीडिंग जनरल वे में होने वाली, सभी जोडिक साइन के लिए होने वाली है, तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना भी पार्ट यहाँ पर आपसे रेजोनेट हो उसे एक्सेप्ट करिए, उसे क्लेम करिए। रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिवाइन को उसके लिए थैंक यू बोलिएगा जो भी मैसेज यहाँ पे आपके लिए निकल के आता है। ओके व्यूअर्स, एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज वहाँ पे छोड़ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। गाइज आज की रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, तो बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पे निकल के आएंगे, चैनल मैसेज होने वाले हैं। ओके, तो उनके लिए अपने आप को ओपन अप करिए, उनके लिए जो भी मैसेज आते हैं उनको रिसीव करिएगा। सो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लाइट थोड़ा डिम कर लेती हूँ, देन वी स्टार्ट दिस रीडिंग। ओके ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं कैंडल लाइटन अप कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल के आता है आज। ओके, ओके व्यूअर्स, वी हैव अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन गाइस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ओके okay? और कुछ गाइस यहाँ पे मुझे यस डेफिनेटली गाइस, आपके पर्सन के बीच में और आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कुछ दूरियाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, कि एक हार्ट होते हुए भी, एक दिल होते हुए भी, और दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं गाइस दूर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और किसी बात की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और आपके पर्सन यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं बोलने की, वाई यू लीव मी, अगर मुझसे मैंने उस समय गलती कर दी और उन चीज़ों को तुम अगर अंडरस्टैंड कर लेते, समझ लेते, चलो ठीक है मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाया, आर्ग्यूमेंट कर गया आपके साथ में, कुछ गलत बोल गया, अगर उस समय तुम उन चीज़ों को समझ लेते तो शायद आज हम दोनों एक दूसरे के साथ में होते, ये चीज़ें नहीं होती। तो कुछ एक यहाँ पे ऐसी बात निकल के आ रही है कि वो भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, कि हाँ मेरी गलती कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा साथ दे देते, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से अगर बच जाते रिलेशनशिप के अंदर, तो ये बात नहीं होती। और आपसे कहना चाहते कि मैं आपके लिए अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आपके लिए हर चीज़ कर सकता हूँ, बस मुझे आपके साथ में फिर से कनेक्ट होना है, फिर से रिलेशनशिप को फिर से री स्टार्ट करना है। ओके व्यूअर्स, कुछ गाइज यहाँ पे मैसेज निकल के आया एक बर्ड वाला, तो आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ एक जैसे कहते हो ना, एक शांति वाला मैसेज किए, ठीक है आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, उन्हें हम शांत कर सकते हैं, फिर से री स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे आपके पर्सन ये भी दिखाने की कोशिश करें, देखो मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है, आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ ओके फ्रॉम माय साइड, पर एक्चुअली इज़ नॉट। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे टर्बुलेंस में नज़र आ रही है। ओके ओके व्यूअर्स, यस डेफिनेटली उनकी लाइफ में आपके बिना, जैसे कहते हैं ना, एक हार्ट में यहाँ पे एक हार्ट निकल के आया, इसको हम पहले अलग रख लेते हैं क्योंकि बाद में सब गड़बड़ हो जाता है, मैं दिखता नहीं है कुछ भी। ओके तो ये आप हार्ट मैसेज निकल के आया कि आपके बिना अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ओके डेफिनेटली यहाँ पे मतलब उनकी लाइफ कहीं ना कहीं आपके बिना अकेली सुनी सुनी सी हो गई। यहाँ पे गाइस नई चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके बिना बहुत ज़्यादा मायूसी नज़र आ रही है, सूनापन नज़र आ रहा है, जैसे कि अकेले बैठे हैं और कोई कनेक्शन नहीं है उनकी लाइफ के अंदर। ओके व्यूअर्स, तो आज मैं पहले ही अलग निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखानी है सब चीज़ें, कल बिल्कुल मैसअप हो गया था। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये आपके पर्सन यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट लीव मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, मुझसे गलती हो गई और मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता हूँ, बट क्या हम फिर से रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर सकते हैं, फिर से आगे बना सकते हैं? गलतियाँ जो भी हुई हैं उनको क्या हम फॉरगेट कर सकते हैं, क्या हम उनको भूल सकते हैं? फिर से एक चांस क्या मुझे मिल सकता है? क्या
जरूरी है इस चीज की सजा देना, तो यहाँ पे गाइज वो सजा फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। यहाँ पे ये चीजें भी नजर आ रही हैं कि कनेक्शन को मिस कर रहे हैं, आपके साथ में बातें करना मिस कर रहे हैं, आपके साथ में कम्युनिकेट करना मिस कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है मुझे। ओके, अपनी फीलिंग को आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यहाँ पे गाइज ये चीजें हैं। कुछ गाइज यहाँ पे कुछ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे ग्रीनरीज बहुत सारी हो, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, मतलब ऐसी जगह पे जाके आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे ट्री एनर्जी बहुत सारी आई है, जैसे जस्ट लाइक माउंटेन और ट्रीज बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, तो आपके साथ में हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, ये मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि वहाँ जाके अपनी बातों को आपके साथ में क्लियर करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, यस डेफिनेटली व्यूअर्स, यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कुछ एंजल विंग्स गाइज नज़र आ रहे हैं कि डेफिनेटली गाइज इनके ऊपर एंजल का इम्पैक्ट हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल एनर्जी आपके पर्सन के लिए वर्क कर रही है। ओके व्यूअर्स, ओके, यहाँ पे गाइज आपके पर्सन कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, आप मेरा सच्चा प्यार हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इवन आपसे दूर होने के बाद में मेरा प्यार और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है आपके लिए, जितना ज़्यादा मैं आपके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ उतना ज़्यादा मेरे दिमाग पे आपकी एक एनर्जी वर्क करती है, आपका अट्रैक्शन मेरे पे और ज़्यादा हावी होता जाता है, आपकी जो मेमोरीज है वो आपके पर्सन देखते हैं, यहाँ पे गाइस ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, तो आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जस्ट लाइक ये फील हो रही गाइस कि कुछ एक होल नज़र आ रहा है, एक ये मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ है, दिल में प्यार भी है, लेकिन एक प्लेस ऐसा खाली पर नज़र आ रहा है जो आपके बिना इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीशन वाली गाइज मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, यस डेफिनेटली गाइज में यहाँ पे मुझे एम साइन नज़र आ रहा है। ओके, एम है, ओ है, ओके, तो ये कुछ लेटर्स यहाँ पे निकल के आए हैं। ओके व्यूअर्स, गाइज यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरा साथ दो फिर से, तो हम रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे गाइज ये एनर्जी भी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं गाइज देखो इनकी लाइफ में आपसे दूर होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव वे में हुई हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि एक जो चेहरा था इनका, ठीक है, जो आपके लिए पहले ये दिखाने की कोशिश करते थे। ओके व्यूअर्स, तो एक जो चेहरा था इनका, वो चेहरा कहीं ना कहीं गाइज हमारे पास एक नए वे में निकल के आया है, यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, जो पहले आपके साथ में वो चीज़ें अपनी फीलिंग की शोर नहीं करते थे, हाइड कर लेते थे, तो वो चीज़ें भी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आपके साथ में वो शेयर करना चाहते हैं, कि अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, एक्चुअल फीलिंग मेरी क्या है, वो आपके साथ में आपके पर्सन शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले आपके पर्सन इतने ज़्यादा आपके लिए सीरियस नहीं थे, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से अलग हुए हो, सेपरेशन में हुए हो, तब से ये और ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील करने लगे हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब और ज़्यादा पागलपन दिमाग पे सवार हो रहा है आपको लेके, मतलब हर समय आपके बारे में सोचना, आपकी बातें करना, हर एक के चेहरे में आपका चेहरा देखना, तो चेहरे पे चेहरा गाइज यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी और के चेहरे में आपका चेहरा दिखाई देना, आपकी बातें नज़र आना, ऐसा लगना है जैसे कि आप बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे गाइज ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो डेफिनेटली गाइज आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यस, ओके गाइज यहाँ पे आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत जल्दी आपके साथ में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे ज़रूर हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोक रही हैं, कुछ बाउंडेशन वगैरह नज़र आ रही हैं, बट जैसे इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद दिमाग में बहुत सारे ख्याल एक साथ चलते रहते हैं इनके दिमाग में, ये भी अभी भी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, हो सकता है आपने अपनी पिक किसी और के साथ में डाली है, ठीक है, आपने ये दिखाने की कोशिश करी है इनको कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, तुम्हारे बिना मुझे लाइफ में सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है। कुछ लोग लिए गाइज यहाँ पे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट आपके पर्सन ने जब से ये आपकी पिक्स को देखा है किसी और के साथ में, तब से वो और ज़्यादा जैसे कि उनके अंदर दिमाग में एकदम से भूचाल सा आ गया है,
ठीक है, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उनको और ज़्यादा फीलिंग हो रही है आपके लिए कि आप ऐसा ना हो कि किसी और की लाइफ में चले जाओ। यहाँ पे गाइज ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, तो जिन लोगों ने भी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की है कि मैं तुम्हारे बिना ठीक हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, ज़रूरी थोड़ा ना तुम्हारे नीचे गंगा बह रही है, तो आपने अगर ये दिखाने की कोशिश करी तब से आपके पर्सन के दिमाग में और ज़्यादा टेंशन हो गई है कि मैं तो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरे करीब आए, लेकिन ये तो दूर जा रही है मुझसे, ये दूर जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, कुछ गाइज यहाँ पे मुझे आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ फ्लावर्स, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देना चाहते हैं, कुछ रोज़ आपको पसंद है, रोज़ फ्लावर्स वगैरह आई थिंक, तो आपको रोज़ देना चाहते हैं, वाइट फ्लावर देना चाहते हैं, रोज़ और वाइट फ्लावर, ये यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपको। आई थिंक वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, वाइट और पिंक दो कलर, या फिर डार्क रेड कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रही है और आपके पर्सन ये जानते हैं कि मेरे पर्सन को ये कलर अच्छे लगते हैं, ये इस कलर के फ्लावर्स अच्छे लगते हैं और ये कलर अच्छा लगता है, तो आपको इसी कलर का कुछ ना कुछ देना चाहते हैं आई थिंक, ये नज़र आ रहा है। फिर से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको खुश करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अपने आपको यानी कि क्या दूँ ऐसा कि आप फिर से इनकी तरफ हाथ बढ़ाओ, कनेक्ट हो जाओ इनकी तरफ, कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें। आई थिंक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और आपके पर्सन तो देखो ऑलरेडी कोशिश कर ही रहे हैं, उनके दिमाग में चीज़ें नज़र आ रही हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये पूरी की पूरी रीडिंग क्रश रीडिंग होती चली जा रही है आई थिंक, है ना, ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में हो, पर कुछ आर्ग्यूमेंट की वजह से एक दूसरे के साथ में शायद कनेक्शन आपका अभी ऐसा चल रहा है कि रुक गया है, टूट सा गया है, लेकिन टूटा वैसा नहीं है कि एकदम से ब्लॉकेज हो गई है, लेकिन अभी भी उम्मीद बहुत सारी है यहाँ पे कि हाँ एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होंगे, बट कुछ ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ईगो की वजह से, कुछ अपनी स्टबननेस की वजह से आपके पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए, और अभी भी इनके दिमाग में यही है कि आप अपनी तरफ से इनके लिए कुछ करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की गाइज यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि तब से लेके अब तक इनके अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास एक फेस वाली एनर्जी आई थी ना कि आपके हर एक के फेस में इनको आपका फेस नज़र आता है, और ये कोशिश भी करते जब से इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें होने लगी हैं आपसे दूर होने के बाद में, तब से गाइज यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इनके ऊपर और ज़्यादा आपका एक जुनून सवार हो रहा है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, ठीक है, आपको पाने का, आपके साथ में टाइम स्पेंड करने का, अपने आपके साथ में कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रांग करने का। तो यहाँ पे गाइज ये चीज़ें नज़र आ रही है मुझे, तो स्ट्रांग वाली एनर्जी गाइज नज़र आ रही है कि स्ट्रांग करना चाहते हैं इस बाउंडेशन को, इस कहते ना कि जिस फीलिंग के साथ में आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हुए थे, तो वो फीलिंग और ज़्यादा मुझे कनेक्ट होती हुई यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले टाइम के अंदर। ओके व्यूअर्स, ओके, कुछ गाइज मुझे आई थिंक आपको डॉग एनिमल वगैरह पसंद है, ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं आपके पर्सन इन चीज़ों को जानते हैं कि आप काइंड हार्टेड बहुत ज़्यादा हो एनिमल्स को लेके, या आपके आपका कोई पेट हो सकता है, ठीक है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो, और उसके साथ में आपने शायद अपनी कोई पिक वगैरह डाली है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, कुछ लोग लिए हो सकता है देखो, लेकिन यहाँ पे मैसेज आया तो मैंने आपको बताया है। ओके, गाइज मून एनर्जी का इम्पैक्ट इन पे हो रहा है, देखिए अगेन हमारे पास एक हार्ट आया है। ओके, तो मून एनर्जी का बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, कल पूर्णिमा है तो कल भी हम इसकी रीडिंग करेंगे। ओके गाइज, आपके जो पर्सन है थोड़े से स्टबन नज़र आ रहे हैं आई थिंक मुझे, कुछ स्टबननेस है इनके अंदर, कुछ जैसे कि होता है ना अपना अपनी एक सोच है, अपनी सोच पे चलते हैं, कभी कभी आपके सुनते नहीं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा सुनाने की मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पर्सन अपनी ही उसमें चलते हैं, धुन में चलते हैं, ये भी चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, तो इसी वजह से भी आप दोनों के बीच में हो गई हैं बातें, कश्माकश जो हुई है इन चीज़ों को लेके हुई है कि आपकी बातें आपके पर्सन सुनते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। ओके, ये गाइज यहाँ पे है, कुछ गाइज यहाँ पे मुझे स्पाइडर एनर्जी नज़र आ रही है, यानी जो आप दोनों के बीच में गाइज एक स्पाइडर एनर्जी का मतलब ये एक दूसरे से धागे से ज़्यादा कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में बिल्डअप हो रही है रिलेशनशिप, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि स्पाइडर एनर्जी यही बताती है कि जो भी
बातें हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं, एनर्जी और ज़्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग बढ़ती चली जा रही है यहाँ पे गाइज मुझे नज़र आ रहा है। ओके ओके यस गाइज आपके पास आई थिंक डॉग है कोई, डेफिनेटली ये पैरेट है कोई, डक पैरेट वगैरह मतलब इस तरह से पक्षी को आपको वो है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। यानी आपके पर्सन भी ये आपके पर्सन के पास में है, ठीक है, जिसके साथ में वो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं कि चलो आपके साथ में नहीं कर पा रहे हैं तो उसके साथ भी कर लो, उसके साथ में आपके पर्सन बातें करते हैं। तो ये डक और पैरेट और ये चीज़ें की है या फिर डॉग वगैरह है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके तो हो सकता है आपके आपके जो ये पर्सन है इनको इनको एनिमल पेट एनिमल का बहुत ज़्यादा शौक है और उनके साथ में आपके पर्सन अक्सर बातें करते हैं जब अकेले में होते हैं, किसी और से तो नहीं कह सकते पर आपकी बातें उनके साथ में शेयर करते हैं। ओके व्यूअर्स जी तो गाइज चलिए कुछ टैरो से देख लेते हैं ओके क्या निकल के आता है। तो बहुत सारी गाइज यहाँ पे यही एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन गाइज आपको लेके बहुत ज़्यादा एक इंटेंस एनर्जी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या निकल के आया है, लाइट ऑन कर लेते हैं। ओके व्यूअर्स एक यहाँ पे गाइज एक सॉन्ग भी चैनल हुआ था, अभी शायद वो सॉन्ग आया था, आई थिंक प्रभास का सॉन्ग है घर से चले और ये बात हो गई। तो कहीं ना कहीं गाइज जब भी आपके पर्सन घर से बाहर निकलते हैं ना आपको उनको आपका फेस बहुत ज़्यादा लोगों में दिखाई देता है, ठीक है। एक गाइज यहाँ पे मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, नहीं तो सब ब्रेक हो जाएगा। ओके ओके तो गाइज यहाँ पे एक फेस की एनर्जी आ रही है, यानी दिल में कहीं ना कहीं इनकी आपकी एक तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है। एक तस्वीर एक चेहरा दिल के अंदर नज़र आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये यही दिखाने की कोशिश करता है, थोड़ा और पास से दिखाते हैं यहाँ पे, है ना, फोकस आपको हो जाएगा, आई थिंक अब आपको नज़र आ रहा है। तो एक दिल में एक फेस नज़र आ रहा है गाइज, यानी आपकी तस्वीर आपकी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन गाइज हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन हमारे पास यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, ये यदि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं लूँगी तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा। काफ़ी सारे हार्ट्स हैं गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक और हार्ट है। और एक गाइज यहाँ पे एक स्टबननेस वाली एनर्जी नज़र आ रही है, तो ये एनर्जी यही बता रही है कि आपके पर्सन थोड़े से ज़िद्दी मिजाज के ज़रूर हैं, अपनी बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने उन्हें जब भी समझाने की कोशिश करी तो वो हुआ है। एक गाइज हमारे पास यहाँ पे एक मून एनर्जी आई थी, ठीक है, तो एक फ्लावर और मून, यानी कि आपके पर्सन जैसे जैसे मून के कांटेक्ट में आ रहे हैं, न्यू मून जैसे कि फुल मून हो रहा है, ओके, तो फुल मून के साथ में इनके अंदर बहुत सारी बातें गाइज चेंज हो रही है, एक फ्लावरिंग डेवलपमेंट की गाइज यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। ओके तो बहुत सारी गाइज यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं आपके पर्सन के दिमाग के अंदर दिल के अंदर जो आपके लिए पनप के बाहर आ रही हैं, फीलिंग इमोशन और ज़्यादा फूल के यानी पनप रहे हैं और ज़्यादा, है ना, इन्हेंस हो रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। ओके तो यहाँ पे एनर्जी गाइज यही बताते हैं कि आप इनके कहने के दिलो दिमाग पे छाए हुए हो इस समय, और हार्ट की गाइज एनर्जी हमारे पे बहुत सारी है, ट्रू हार्ट एनर्जी है। ओके अगर आप आई थिंक इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये देखिएगा। ओके तो हार्ट की एनर्जी है गाइज, कल ये चीज़ें नहीं देख पाए थे हम क्योंकि कल तो सब मैसअप हो गया था लेकिन चलो आज मैंने ये चीज़ें पहले ही निकाल ली ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। चलो कुछ टैरो से देख लेते हैं, ओके देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके सो लेट्स सी, सो प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं इनसे। ओके व्यूवर्स मून इस समय आपको लेके बहुत ज्यादा टेंशन में, यानी कि फुल मून एनर्जी का गाइज इन पे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक नई शुरुआत है गाइज यहाँ पे चीजें नजर आ रही है। ओके एक टावर मोमेंट जैसे कि मैंने आपके पर्सन की लाइफ में बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, वही चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन गाइस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनके सोच में बदलाव आ चुका है, जो सोच कहीं ना कहीं अपनी सोच में थे आपके पर्सन, उन सोच से कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं, ठीक है। अपनी गलतियों को इन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा है, आपकी तरफ इनका रुझान और ज़्यादा बढ़ा है। तो ये कार्ड वो दिखा रहे हैं कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करें आपके पर्सन, आपके लिए इमोशनली ड्रॉन हो रहे हैं। जैसे जैसे मून करीब आ रहा है,
इनके ऊपर आपकी एनर्जी और ज्यादा वर्क कर रही है। अकेलापन इनका कहीं ना कहीं खाया जा रहा है। लोग इनसे बात करने की कोशिश करते हैं पर ये अपनी फैमिली में भी बात नहीं करते, उनके साथ में सही से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, अकेले अकेले रहते हैं। तो गाइज ये एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है कि किसी से बात करना इन्हें पसंद नहीं आ रहा, जब से इनके ऊपर आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं हावी हुई है। सोशल में बाहर में जाते हैं तो बाहर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी से सही से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने ध्यान कमरे का अपने काम में इनका मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं। तो ये इनकी लाइफ में गाइज एक जो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती थी, अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखते थे, आपकी बातों को नहीं सुनते थे, आपकी बातों को नहीं समझते थे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करने पर तैयार हो जाते थे, ठीक है, फाइट करने पर तैयार हो जाते थे। तो बहुत सारे इनके अंदर चेंजेस आए हैं। डेथ का कार्ड गाइज चेंजेस दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, एक न्यू लाइफ एक न्यू जर्नी को दिखाता है। तो वही यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी पर्सन की लाइफ में ये चीजें हो रही है, आपके पर्सन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ गाइज इनका अटेंशन इतना ज्यादा है कि अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सबसे ज्यादा तो ये नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं या अपने ऑफिस नहीं जाते, अपना बिजनेस नहीं संभालते हैं या अपने रूटीन जो काम है इनके स्टडी वगैरह उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सब पे फोकस है, काम करें पर उतना फोकस नहीं है जितना एक्चुअल में होना चाहिए। तो इनका ध्यान हर समय सिर्फ आप पे लगा रहता है। और दूसरी मैंने कहा था गाइस यहाँ पे पैरट वगैरह की एनर्जी है, ठीक है, कोई बर्ड्स की एनर्जी है, कोई डॉग की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं तो अपने पेट से बात करते हैं, अपने पेट के साथ में अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं क्योंकि किसी और से वो बात नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे गाइज ये एनर्जी भी नजर आ रही है आपकी तरफ, इतना ज्यादा आपके पर्सन का अट्रैक्शन है गाइज कि फिजिकली आपके साथ में अपनी एनर्जी को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, जस्ट लाइक आपको पाना चाहते हो इस समय। तो गाइज ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा, यानी दिल इनका तो कंट्रोल में नहीं है, इनका मन इनके कंट्रोल में नहीं है, दिमाग से तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर इनका दिल इनके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो तो आपके ऊपर आ चुका है, आपके साथ में कनेक्ट हो चुका है, आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। लाइफ में दोनों ही एस्पेक्ट को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस को संभालने की कोशिश करते हैं, करियर को संभालने की कोशिश करते हैं, पर ज्यादा फोकस कहाँ रहता है, आपके ऊपर रहता है। तो फोकस सेंटर कौन है इस समय, आप हो। तो यहाँ पे गाइस ये चीजें नजर आ रही है। ओके व्यूअर्स, कुछ गाइज और कार्ड लेते हैं। ओके यहाँ पे ओके व्यूअर्स, तो चलिए देख लेते हैं। ओके ओके व्यूअर्स, ट्रेजर आइसलैंड। ओके ये गाइज चैनल सॉन्ग हुआ है, कहो तो सुन बोलू और आप उसे सुनिएगा। पहले भी मैंने शायद अभी बोलने की कोशिश की थी प्रभास का, घर से चले और ये बात हो गई है ना, तो वो गाना सुनिएगा। वो गाना कहीं ना कहीं चैनल बार बार हो रहा है, मैं उसे मिस कर रही थी लेकिन बार बार मेरे सामने आ रहा है वो गाना। और अगेन हमारे पास एक वाटर एनर्जी है यहाँ पे, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आप ही के साथ में गाइज इनका इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है कि एक हार्ट एनर्जी है गाइज, यानी कि ट्रेजर क्या है इनकी लाइफ में, इनका प्यार। तो आपको अपना एक अपना भविष्य अपना एक खजाना मानते हैं, प्यार का खजाना जिसके बिना जिंदगी अधूरी अधूरी सी। तो आपको आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अधूरापन की वजह से, लाइफ में अकेले हैं, अकेले लाइफ को जीना नहीं चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके ऑब्जर्वर आपकी, मैंने बोला था आपने कोई पिक वगैरह डाली है तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है गाइज यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है कम्युनिटी। ओके तो आपके साथ में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे चीज़ें नजर आ रही हैं। ब्रीथ की एनर्जी है गाइज कि सांसों में भी आपका नाम चलता है, हर सांस पे आपका नाम लेते हैं, कुछ ऐसा गाइज यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही गाइज रोमांटिक एनर्जी है आपके पर्सन की इस समय। एंड द फेथ का कार्ड है गाइज हमारे पास, यानी हर पल हर घड़ी हर वक्त इनकी यादों में, इनकी सांसों में, इनके दिलो दिमाग पे सिर्फ आपका नाम है। आपके ऊपर इनका इतना ज़्यादा फोकस है कि बस मतलब कुछ भी बस ऐसा हो, ऐसी हवा चले कि आप दोनों फिर से कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे के साथ में, फिर से मतलब जो एक सोच बनी हुई है एक दूसरे को लेके, या फिर जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं, जो भी एक 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 चोला पहन लिया है आपने और आपके पर्सन ने, तो वो शेड अप हो जाए, वो रिमूव हो जाए और ओरिजिनलिटी यानी दिल की सच्चाई एक दूसरे के सामने आ जाए। तो गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कन्फ्लिक्ट वगैरह जो भी है वो बस वो रिमूव हो जाए कैसे भी ना कैसे करके। तो यहाँ पे आपके पर्सन गाइज यहाँ पे आपको थोड़ा सा तड़पाने की भी कोशिश करते मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आप भी तड़पो इनके लिए, वो फीलिंग फील करो, ठीक है, को ऑब्जर्व करते हैं आपकी तरफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर कुछ ईगो वगैरह भी ऐसी जिस वजह से आपके साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ईगो की गाइज यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है कि सिर्फ आपको देखते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि
आप एफर्ट्स लगाओ, आप फील करो, आप मतलब कोशिश करो। तो गाइज यहाँ पे नजर आ रही है टिकटॉक टिकटॉक वाली गाइज एनर्जी की, हर घड़ी हर पल इनके दिमाग में सिर्फ आप चलते हो। ये बात गाइज 100% ट्रू है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन तो मुझे भूल गया है, मुझे याद नहीं करता है, या फिर ऐसा हो गया जब से हम दोनों के बीच में कहासुनी हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, अब वो मुझे मतलब पता नहीं क्या होगा, बात नहीं कर रहा, सही से बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। बस कहीं ना कहीं आपको तड़पा रहे हैं, थोड़ा सा जेलस करने की कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पे, तो वो एनर्जी गाइज नजर आ रही है। बहुत जल्दी गाइज यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है आपके साथ में, आपके पर्सन गाइज कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीजें भी नजर आ रही हैं। तो एक जो पूर्णिमा है गाइज कहीं ना कहीं आपके लिए एक ओपनिंग का काम भी कर रही है यहाँ पे, ओके। तो बहुत सारे लोग गाइज यहाँ पे एक दूसरे के साथ में जो आर्ग्यूमेंट आप दोनों के हुए हैं, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चीज़ें गाइज यहाँ पे शेड अप होंगी, वो चीज़ें निकल जाएंगी, एक नई लाइफ यहाँ पे शुरू होती है मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ओके व्यूअर्स। तो गाइज यहाँ पे एक फेथ रखिएगा रिलेशनशिप के अंदर, अगेन हमारे पास फेथ का कार्ड है गाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीशन की एनर्जी रखते हो, एक दूसरे के बिना आप दोनों ना तो कंप्लीट हो ना एक दूसरे के बिना खुशियां फील करते हो। ये पर्सन गाइज एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन इस समय आपको अपने पास फील कर रहे हैं, अपनी यादों को अपने पास फील कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं आपके पर्सन कि तुम मेरी मतलब एक मेरी बाहों में हो, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, कि एक जस्ट लाइक ए हगिंग एनर्जी गाइज वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके। तो यहाँ पे गाइज एक ऐसा है बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी गाइज जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आप खुद फील कर सकते हैं, ओके व्यूअर्स। तो ये एनर्जी गाइज निकल के आई है आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी, अगर गाइज की है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।